अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब, इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग न्यूज़ है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तकरीबन ये एज लाइव वीडियो है जो आप देख रहे हैं, लेकिन साथ में रेफरेंसेज और सबूत दिखाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर रीड कर लिया होगा कि एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही है। उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि नशे के अंदर धुत होकर राहत फतेह अली खान, जो कि हमारे मुल्क के ना सिर्फ लिविंग लेजेंड हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी गायकी, अपनी मौसिकी की वजह से पहचान रखते हैं। आप यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो सिंगर्स हैं जो इस वक्त हाईएस्ट पेड हैं, उनमें एक आतिफ असलम है और एक राहत फतेह अली खान है। आप यह भी जानते हैं कि राहत फतेह अली खान जब से गाना गा रहे हैं वो हमेशा से किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, और इससे पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स बन चुके हैं। लेकिन तारीख का जो सबसे बदतरीन स्कैंडल उनके ऊपर बना है वो अब बना है, और वो इस तरह से बना है कि राहत फतेह अली खान जो हैं उनकी बहुत सारी जायदादें हैं, उनका अपना घर जो है वो लाहौर कैंट के अंदर है, लेकिन बेदिया रोड के ऊपर उन्होंने अपना एक फार्म हाउस भी बनाया हुआ है। बताने वाले ये बताते हैं कि फार्म हाउस जो उन्होंने बनाया है वो असल में उनका अय्याशी का एक अड्डा है मुबैना तौर पे, और वहाँ पर नशे के लिए उन्होंने बकायदा एक बार बना रखा है। अब बताने वाले बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि राहत फतेह अली खान बिल्कुल घर के कैजुअल कपड़ों में हैं, नशे में धुत हैं, और उनके इर्द गिर्द चार पाँच मुलाजिम खड़े हैं, और ऐसे में वो अपने एक मुलाजिम से पूछते हैं कि बताओ कि मेरी बोतल कहाँ पर है, जिस पे उनका मुलाजिम बार बार कहता है कि मुझे नहीं पता कि आपकी बोतल कहाँ है, और उस पे वो अपना जूता उतारकर उसे मारना शुरू करते हैं। फिर उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जब वो मार मार के उसको थक जाते हैं तो उसके बाद वो खुद ज़मीन पर एकदम से गिरते हैं, और उसके बाद मुलाजिम को भी अपने साथ ज़मीन पर लेकर आते हैं, और फिर उसके ऊपर दोबारा से बदतरीन तशद्दुद जो है वो शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद उसी वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो उनके बाकी मुलाजमीन हैं वो पास आगे बढ़कर राहत फतेह अली खान से उस मुलाजिम को नहीं छुड़वाते, और आखिरकार मार खा खा के वो मुलाजिम उनको वास्ता देता है कि आप मेरी जान बख्शी कर दें, लेकिन राहत फतेह अली खान फिर भी उसको पीटते रहते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, हालांकि ये अंदर एक बंद कमरे से वीडियो बना है, सामने की तरफ राहत फतेह अली खान के तीन चार मुलाजिम खड़े हैं, और बैक साइड से ये वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल आग के चिंगारी की तरह ये वीडियो फैल जाता है, और उसके बाद राहत फतेह अली खान को समझ आ जाता है कि अब उनके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि राहत फतेह अली खान ने आज तक जितने भी लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हुई थी, कहते हैं कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ की वजह से उसके आगे आती है। और अब पूरी दुनिया के अंदर जब उनका वीडियो वायरल होता है तो हर तरफ ये खबर फैल जाती है कि राहत फतेह अली खान का बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि राहत फतेह अली खान जो हैं वो अपने मुलाजमीन के साथ इंसानी नहीं बल्कि गैर इंसानी सलूक करते हैं। उसके फौरन बाद राहत फतेह अली खान जब इस मामले को समझ जाते हैं तो वो फौरन सामने आते हैं और आकर उससे भी बड़ा एक ब्लंडर करते हैं। ब्लंडर वो ये करते हैं कि वो अपने उसी मुलाजिम के साथ जिसको वो पीट रहे होते हैं एक वीडियो बनाते हैं, और अल्लाह की शान ये कि उससे भी बड़ा झूठ बोलते हैं जिस पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता। और वो क्या मंतक देते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ये जो मुलाजिम है इसको मैंने बड़ा बाबरकत पीरों वाला एक पानी दिया था, मेरे पीर साहब ने उसके ऊपर पानी के ऊपर दम किया हुआ था, वो पानी जो दम किया हुआ था वो मैंने दरअसल रखा था, और मैंने इसे पूछा कि वो कहाँ है, और जब वो गुम हो गया या इसने उठा के कहीं रख दिया, मिसप्लेस कर दिया, तो मैंने इसको मारा। सवाल ये है कि उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर वाली हरकत की। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर भी नशा लेकर जा रहे थे, और जिस वक्त वो रंगे हाथों पकड़े गए थे तो जब उनसे पूछा कि इसके अंदर क्या है तो रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद उन्होंने कहा कि इसके अंदर तो शहद की बोतलें हैं। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने कहा कि इसके अंदर नशा नहीं था, बोतल के अंदर शराब नहीं थी, बल्कि उसके अंदर तो मेरे पीर साहब का दम किया हुआ पानी था। अगर हम मान भी लेते हैं कि उसके अंदर पानी था तो क्या आपके जो पीर हजरात होते हैं वो आप लोगों को इस तरह का सबक देते हैं कि आप जो हैं वो पानी के महज गुम जाने पे या दम किए हुए पानी के गुम जाने पे, चाहे वो आबे जमजम ही क्यों ना हो, आप अपने मुलाजिम के साथ गैर इंसानी सलूक करके उसको इतना पीटें कि बदले में वो बेचारा आपसे जान बख्शी के लिए माफिया मांगता रहे। उसके बाद वो झूठ इन्होंने अपने मुलाजिम को सिखाया, फिर मुलाजिम के साथ खड़े होकर इन्होंने अपना एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो में इन्होंने क्या फरमाया जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज राहत फतेह अली खान। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये एक उस्ताद और एक शागिर्द के मामले, आपसी मामले की ये बात है, और ये वो मेरा शागिर्द है, बच्चा है मेरा, और ये उसके वालिद साहब है रफीक अहमद साहब, ये रवीद असनैन, और एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। जब कोई शागिर्द अच्छा काम करता है तो हम उतना ही प्यार भी देते हैं,
और अगर कोई गलती होती है तो हम उसको पनिशमेंट भी देते हैं। बहरहाल ये नबी तो सुनैन है, आप इसकी जुबानी पूछ लीजिए आप कि क्या हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वो जो जिस बॉटल की बात हो रही है वो पीर साहब का दम किया हुआ पानी था, वो मुझसे मैं कहीं रख के भूल गया था, मुझे इस बात का नहीं था उस टाइम पता कि मैंने कहाँ रखी है। तो वो मेरे बाप है, मेरे उस्ताद है, ये प्यार भी हम हमारे साथ इतना करते हैं कि खुदा जानता है ये जिसने भी ये हरकत की है, ये सीधी सीधी ब्लैकमेली है मेरे उस्ताद जी को बदनाम करने की। ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, मेरे उस्ताद जी हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम इनके औलाद हैं, इनके बच्चे हैं, मेरे वालिद साहब साथ खड़े हैं। ये पीर साहब है इनके वालिद, और मैंने एक और बात कोट करूंगा, मैंने इससे उसी वक्त मैंने माफी भी मांगी इससे। मंगता नहीं है, इनका बड़ा पन्ना है, हमसे बहुत प्यार करता है। हां जी, आपका बड़ा पन्ना है साहब जी। एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा उस्तादी शिकृति के हवाले से। हमारी कवाली फील्ड में हमारे कुछ असूल हैं, कुछ रिश्ते हैं, कुछ नाते हैं उस्ताद करानी से। एक छोटी सी मिसाल मैं देने लगा हूँ आपको कि हमारे बड़े सिकर पाप हिंद के बहुत बड़े नाम और कवाल उस्ताद बख्शी सलाम हुए हैं, उनके एक शगिर्द थे उस्ताद सादक अली खान उर्फ सद्दो खान। एक दफा का वाक्य है कि मैं भी वहां पे मौजूद था, तो सादक अली खान साहब के उस दौर में बड़े बाल थे, सर के बाल जो थे वो काफी बड़े थे, तो वो घर में कंघी कर रहे थे, तो अम्मा जी आ गए खान साहब बख्शी सलाम खान साहब की, उस्ताद बख्शी सलाम साहब की बेगम, वो आगे हम उनको अम्मा जी बोलते थे, वो आगे तो सिर्फ उन्होंने ये कहा के बेटा सदो तू वाल चंगे वाल ना पिया पुत्र, ऐने वाल ना वाया कर। उसी वक्त वो आदमी ने बात सुनी, वो पानी पानी हो गया ये बात सुनकर के अम्मा हजूर को मेरे बाल पाने ये सीधे करने पसंद नहीं आए। नाई की दुकान पे गए, वहां जाके उन्होंने टिंड करवाई। तो हमारे सिलसिले में हम इतना एहतराम करते हैं उस्तादों के घर का, उस्तादों के असूलों का, उस्तादों की बातों का। फिर उस शख्स ने सारी जिंदगी सर पे बाल नहीं रखे, हम उनकी वीडियो आपको दिखा सकते हैं, सारी जिंदगी वो छोटे छोटे बालों के साथ वो आदमी करता रहा है। ये हमारा अदब है, ये मेरा बेटा है। उस्ताद जी, उस्ताद बेटे को डांट देते हैं, मार भी लेते हैं, ये हमारी नजर में ये मार नहीं है, ये एक क्या कहते हैं उसको, मुझे वो लफ्ज नहीं मिलते, ये एक तबरक है हमारे लिए। उस्ताद जी का डांटना ये हमारे काम की बातें हैं। बात यह है सामने ग्राम के, एक और बात हुई कि मैं अपने मुलाजमों पर तशद्दुद करता हूँ। ये मेरा ड्राइवर है, ये 40 साल 45 साल से ड्राइवर है, इनका नाम सलीम है। आप इनसे पूछिए कि मैंने कभी इनको डांटा हो, कभी मारा हो, ये हमारे बुजुर्गों की तरह है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 40 साल से ड्राइवरी करता हूँ, खान साहब मुशरफ फतेह अली खान के साथ ही रहा हूँ, और इन्होंने मुझे बाप का, बड़े भाई का दर्जा दिया है, इनकी बहन, इनकी पूरी फैमिली मेरी बहुत इज्जत करते हैं, ये बड़े आजम वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे आज तक गाली भी नहीं दी इन्होंने। तो मानन की बात करते हो, अस्सलाम वालेकुम। और मैं एक मैसेज और उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, उस्ताद जी मेरे पास आया, मुझसे उन्होंने माफी मांगी है, मैं अब शर्मिंदा हो गया उस्ताद जी के आगे, क्योंकि मेरे उस्ताद है, वो उनका बड़ा पन है, हम उनकी औलाद है, वो हमें जो मर्जी कर सकते हैं, उन्होंने मुझसे माफी भी इस चीज की मांगी है। ये जो कुछ भी ये हो रहा है ये बिल्कुल झूठ है, ये ब्लैक मिरर है, जो भी ये वीडियो को वायरल करी जा रहा है, तो हमें कोई इतराज नहीं है, मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे बाप है, मेरे मुर्शिद हैं, वो हमारे साथ जो मर्जी कर सकते हैं, वो हमसे प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो बाप औलाद को मार लेते होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है नबी हसनैन जिनके बारे में ये वीडियो जो है वो हुई है, तो आप इनकी जुबानी सुनिए। और इनसे मैंने उस वक्त भी, उसके बाद, उस वाक्य के बाद मैंने माफी भी मांगी इनसे, और अभी भी ऑन द रिकॉर्ड मैं इससे बच्चे से माफी भी मांगता हूँ कि मेरा बेटा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है उस्ताद जी, नाज़रीन ये मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे बाप है, मेरा मुर्शिद है, ये जिसने भी ये हरकत की है ना, बिल्कुल ये बेवकूफी वाली हरकत है, मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे पीर हैं, बाप बेटे को मारे लेते होते हैं, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। वो जो पानी था वो पीर साहब का दम की आवाज था, वो मैं रख के कहीं भूल गया था, तो इस वजह से उस्ताद जी ने मुझे डांटा, अदरवाइज ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी हरकत कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे उस्ताद जी को, मेरे उस्ताद जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत समझदार हैं माशाल्लाह साहब, आप बताएं जो आदमी ये हरकत कर सकता वो कितना अच्छा होगा। बहरहाल जो ये गलत खबरें मेरे बारे में उड़ा रहे हैं क्योंकि मैं जुल्म करता हूँ, वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि वो कितने जालिम हैं।
हमारे साथ उस्ताद जी ने बहुत ज्यादा प्यार किया और करते रहेंगे। हमारा 40 साल से उस्ताद इस घराने से उस्ताद जी के साथ रिश्ता चलता आ रहा है, तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद जी पूरी दुनिया में एक है। मैं कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे उस्ताद जी जैसा कोई भी नहीं है। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, ये ब्लैकमेल मेरे उस्ताद जी को करना चाह रहे हैं बस। अच्छा, मजेदार बात यह है कि उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने फिर एक और वीडियो बनाया। वो सारे वीडियोस तो मैंने आपको दिखा दिए हैं जो आपने तीनों वीडियोस देखे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि राहत फतेह अली खान हो सकता है कि सच्चे हों, हो सकता है कि राहत फतेह अली खान जो है वो नशा ना करते हों, तो मैं आपको बता दूं कि सन 2022 में, आज से ठीक 2 साल पहले, राहत फतेह अली खान एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के लिए बाहर गए थे और वहां पर भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। हमारी कौम की जो याददाश्त है वो थोड़ी कमजोर है, इसलिए मैं आपको सबूत के तौर पे वो वीडियो दिखाती हूँ। जरा वो वीडियो देखें जिसमें नशे में धुत होकर वो किस तरह से बातें कर रहे थे और किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे थे, और उस वक्त भी वो वीडियो वायरल हुआ था लेकिन हमारे लोग भूल चुके हैं। हैव अ लुक। मेरी जान, मेरा नुसरत फतेह अली खान, ये बात है। हाजी इकबाल ने की भी, इससे कोई भिड़े मत, मेरी जान है, हम एक हैं और एक रहेंगे, एक ही रहेंगे और एक हैं, एक एक हैं। मेरा नुसरत फतेह अली खान, ये बात है। हाजी इकबाल ने की भी, इससे कोई भिड़े मत, मेरी जान है, हम एक हैं और एक रहेंगे, एक ही रहेंगे और एक हैं, एक एक हैं। जी, तो आपने वीडियो देखा और कोई इंसान यह नहीं कह सकता कि राहत फतेह अली खान यहां पर बिल्कुल नॉर्मल है। यानी कि राहत फतेह अली खान ने अभी जो एक रंग देने की कोशिश की है कि पीर साहब का दम किया हुआ पानी था और वो नशा नहीं करते हैं, 2022 का यह वीडियो बतौर सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। राहत फतेह अली खान ने अभी आज से ठीक चंद दिन पहले अपने प्रमोटर के साथ भी झगड़ा किया। अब आप कहेंगे कि आर्टिस्टों के तो ये मसाइल होते रहते हैं, नो डाउट होते रहते हैं, पैसों के ऊपर लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, लोग अपने प्रमोटर्स को भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन राहत फतेह अली खान के जो प्रमोटर थे वो पिछले 12 साल से उनको प्रमोट कर रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर जो पैसा था, पैसे का लेन देन था, कॉन्सर्ट्स थे, वो सब कुछ हैंडल करने वाले उनके प्रमोटर थे। लेकिन अचानक से ये खबर आई कि ना सिर्फ उन्होंने अपने प्रमोटर की छुट्टी करवा दी, बल्कि राहत फतेह अली खान ने यह भी ऐलान किया था कि उनके एक भतीजे हैं वो और उनकी मिसेज और उनका बेटा, अब उनको आइंदा से प्रमोट किया करेंगे और आइंदा से उनकी मिसेज इस कंपनी की मालिक होंगी और कोई भी प्रमोटर अब उनके साथ काम नहीं करेगा। जिसके बाद जब उनके प्रमोटर से ये पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ, तो उनके प्रमोटर ने कहा कि मैंने सारी जिंदगी अपनी इनको दी है, अपनी जिंदगी का एक डेकेड से भी ऊपर का टाइम देना कोई छोटी बात नहीं होती है, मैंने ईमानदारी के साथ उनको पैसे दिए, लेकिन एंड पे आकर इन्होंने मुझे छुट्टी करा दी और अपनी मिसेज को कंपनी का ऑनर बनाया है। और उन्होंने ये कहा कि एक खातून जो कि ना तजर्बाकार हैं, बेशक वो राहत फतेह अली खान की बीवी हैं, लेकिन उनको बिजनेस के बारे में नहीं पता है, वो किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर उनके कॉन्सर्ट्स करवाएंगे। इसका मतलब यह है कि राहत फतेह अली खान का डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हो चुका था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि मैं आपको यह भी बता दूं कि राहत फतेह अली खान जो हैं वो FBR के नादहिंदा भी हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा, आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने आपको एक खबर दी थी और उस खबर के अंदर आपने देखा था कि राहत फतेह अली खान की जो मिसेज हैं वो अपने घर से जो गाड़ी लेकर निकली थी उनको DHA के अंदर रोक लिया गया था। और उस वक्त भी अफसरान ने जब उनको रोका था तो ये पता चला था कि वो राहत फतेह अली खान जो पूरी दुनिया के अंदर डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, वो राहत फतेह अली खान जिनके प्रमोटर ने ये कहा कि वो एक रात के अंदर $22,000 कमा लेते हैं, उनकी गाड़ी जो मिसेज की गाड़ी थी उसके ऊपर टोकन्स तक नहीं लगे हुए थे। इसके अलावा FBR की तरफ से जितना उनका टैक्स बनता है वो भी उन्होंने कभी अदा नहीं किया और उनको कई मर्तबा नोटिसेस जारी हुए हैं। और आए रोज़ ये खबरों का मामूल रहता है जहां हम आपको ये खबरें देते जाते हैं कि राहत फतेह अली खान जो हैं उनको आज फिर से नोटिस मिला है। बात सिर्फ इतनी है कि शोहरत को पा लेना
इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन शोहरत को मेंटेन करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। नंबर वन की पोजीशन पर आना इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन नंबर वन की पोजीशन पे हमेशा रहना ये असल में बात होती है। और फिर आर्टिस्ट बन के फिरौनियत ले आना, ये तो आम आपने देखा होगा, लेकिन इंसान बन के रहना ये सबसे बड़ी बात होती है, जो कि राहत फतेह अली खां के लिए अब आए, जिसे कहते हैं ना कि मुश्किलात अब दिन ब दिन उनके आगे आती जा रही हैं, और लोगों की वो बददुआएं भी ले रहे हैं, और उनके जो मुलाजिम हैं वो अब उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अब उन्हीं पीर साहब के पास जाएं जिन्होंने उनको फूंक मार के दी थी, और वही पानी वापस लाकर जो हैं वो खान साहब को पिलाएं, ताकि खान साहब आइंदा से कभी भी किसी इंसान को इतना हकीर समझ के उसके ऊपर तशद्दुद ना करें। तो जनाब ये था अब तक का वीडियो, अब बारी है जी आप लोगों की, और मेरा ख्याल है कि जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है अभी तक किसी ने एक वीडियो में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, ये तो मेरा एटलीस्ट चैलेंज है। बहरहाल आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते समझते हैं, और इस दम वाले पानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तजिए जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।